हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ यह है ग्रेफीन के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रेफीन क्या है, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि ग्रेफीन का है फ्यूचर, मतलब जो फ्यूचर का एलिमेंट यह है, एक ग्रेफीन है। अगर आप इसकी एप्लीकेशंस देखोगे कि कहाँ कहाँ यह यूज होता है, तब आपको इसकी वैल्यू पता लगेगी। और कौन सी कंपनी ऐसी है, कौन सा शेयर ऐसा है, कौन सा स्टॉक ऐसा है जो इसके ऊपर काम कर रहा है, और आने वाले टाइम में उस शेयर की जो वैल्यू होगी, आज अगर आपको शेयर 1000 रुपये का मिल रहा है तो आने वाले टाइम में उसकी वैल्यू, उस एक शेयर की वैल्यू 1 लाख 2 लाख के ऊपर तक हो सकती है। तो आप अभी अगर इन शेयर्स को नहीं देखोगे, फ्यूचर को नहीं देखोगे, तो पछताओगे। आप ये सोचिए कि हाँ, क्यों नहीं उस टाइम पे मैंने ये शेयर देखा, क्यों नहीं इन फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ में मैंने 5, 10, 15 साल पहले इन पे रिसर्च किया, या इनके बारे में मुझे पता था फिर भी मैंने नहीं खरीदे। तो चलिए बात करते हैं ग्रेफीन के बारे में। ग्रेफीन कहाँ है फ्यूचर उसके बारे में, और कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो काम कर रहे हैं ग्रेफीन की दिशा में, और ग्रेफीन के क्या यूजेज है, कैसे बनता है, कि है क्या इस छोटे से वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। ग्रेफीन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रेफीन क्या है, अगर आप देखो, आप विकिपीडिया पर भी पढ़ सकते हो, कहीं और जगह गूगल पर सर्च करके भी पढ़ सकते हो, आपको बिल्कुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ग्रेफीन एक कार्बन का एलोट्रॉप है। अगर आप केमिस्ट्री जानते हो तो कार्बन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट है, डायमंड है, चारकोल है, कार्बन नैनोट्यूब्स है, फुलरेंस है, वैसे ग्रेफीन भी है। लेकिन ग्रेफीन जो है एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक मेटल है, तो इसलिए ग्रेफीन के यूजेस बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप देखें, ग्रेफीन का एक हेक्सागोनल लैटिस टाइप का ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, तो और ग्रेफीन के बहुत मतलब वाइडली यूज्ड है। आप देखिए, अगर आप सोच रहे होंगे कि ग्रेफीन किस तरीके से बनता है, ग्रेफीन देखिए सिंपल ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट में से एक लेयर, मतलब एक जैसे ना कि कुछ एडहेसिव लगा के उसको चिपका के उसको हटा दिया जाता है, तो उससे बिल्कुल एडहेसिव टेप होती है एक ग्रेफाइट। देखिए, ग्रेफाइट को ही स्प्लिट किया जाता है ग्रेफीन में, ये मान के चलिए, आप सिंपल तरीके से ये मान के चलिए कि ग्रेफाइट को ही स्प्लिट किया जाता है ग्रेफीन में। तो ग्रेफाइट की दुनिया में कौन कौन सी कंपनीज काम कर रही है, आप सोचिए आप। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, ग्रेफाइट जो ये ग्रेफीन जो मटेरियल मैं आपको बता रहा हूँ, उसके यूजेस, उसकी एप्लीकेशन जो टच स्क्रीन में आता है, LCD का हो या OLED डिस्प्ले का हो, उनमें यूज होता है ग्रेफीन। आप ये सोचिए, ट्रांजिस्टर्स में यूज़ होता है ग्रेफीन, ये जो इसकी पोटेंशियल एप्लीकेशन है। ग्रेफीन एक एक्सट्रीमली डाइवर्स मटेरियल है, और वो अदर मटेरियल के साथ कंबाइन करके, चाहे वो गैस हो या मेटल हो, उन सब के साथ कंबाइन करके, डिफरेंट मटेरियल्स के साथ कंबाइन करके एक बहुत बढ़िया सुपीरियर प्रॉपर्टीज़ वाला काम करता है। कंप्यूटर चिप्स में यूज होता है, या इवन आपकी जैसे लिथियम आयन बैटरीज है ना, उस तरीके से बैटरीज में भी यूज़ होता है ग्रेफीन। एनर्जी जनरेशन में यूज़ होता है ग्रेफीन, सुपर कैपेसिटर्स में यूज होता है, DNA सीक्वेंसिंग में यूज होता है, वाटर फिल्टर्स में यूज होता है, एंटीना में, सोलर सेल्स में भी यूज होता है ग्रेफीन। आप ये देखिए, तो काफ़ी वाइड यूज है ग्रेफीन के, बहुत बहुत बड़े लेवल के यूज हैं ग्रेफीन के। तो आप खुद समझिए आप कि क्यों ना आप ग्रेफीन की दिशा में काम करने वाली कंपनीज पे इन्वेस्ट करो। आप देखिए, खुद सर्च कीजिए और समझिए कि ग्रेफीन के क्या यूजेस है, कितने हाई लेवल के यूजेस है ग्रेफीन के, जो इसके एप्लीकेशंस है। जैसे मैंने आपको बताया था, फोटोवोल्टेक्स है, लिथियम आयन, जैसे अगर आप देखें करंटली जो लिथियम आयन बैटरीज डेवलप हो रही है, तो वो जो ग्रेफीन की बैटरी आएंगी जिनके ऊपर काम चल रहा है, वो इससे भी कहीं ज़्यादा गुना जो है होंगी। जैसे कि सुपर कैपेसिटर जो बन रहे हैं आज, अभी कुछ टाइम बाद देखिए, जो सुपर कैपेसिटर जो कि काफ़ी लार्ज कैपेसिटी के वो रहेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की दुनिया में ग्रेफीन का बहुत ज़बरदस्त यूज होने वाला है। आप समझिए इस चीज़ को और जानिए। देखिए, ग्रेफीन की बहुत ज़बरदस्त मटेरियल है ग्रेफीन एक, और जैसे मैंने आपको बताया था, सुपर कंडक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से कहें, या फिर जो है स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल की वजह से कहें, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ ग्रेफीन के वाटर फिल्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से कहें, सेमीकंडक्टर पर्सपेक्टिव से कहें, जैसे ये सोलर प्लांट्स चल रहे हैं, सोलर सेल्स कहें, या फोटोवोल्टिक सेल्स कहें, इनके पर्सपेक्टिव से कहिए, या फिर इसके एप्लीकेशन, ज़बरदस्त एप्लीकेशन है ग्रेफीन की। तो आपको थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि आपको ग्रेफीन के बारे में समझ में आएगा, जो मैंने आपको बताया ग्रेफीन के बारे में। और अब हम देखते हैं कि ग्रेफीन जैसे इतने सारी तो हैं ही, तो ऐसी कौन सी कंपनीज हैं। तो ग्रेफाइट इंडिया
आपने नाम सुना होगा ग्रेफाइट इंडिया का, जैसे HEG है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की कंपनी, ग्रेफाइट इंडिया है एक वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है जो ग्रेफाइट की दुनिया में काम कर रही है और इवन ग्रेफीन की दुनिया में काम कर रही है। ग्रेफाइट इंडिया ने अभी रिसेंटली एक जनरल ग्रेफीन नाम से कंपनी है, US बेस्ड कंपनी है जनरल ग्रेफीन, जो कि मेजरली ग्रेफीन के ऊपर काम कर रही है, तो उसमें 46% स्टेक जो है वो पिकअप किया है। तो ये जो स्टेप लगा था, ये न्यूज जो अभी है सितंबर की न्यूज है, तो इस स्टेप से ग्रेफाइट इंडिया की जो वैल्यू है वो मेरे माइंड में तो बहुत अच्छी समझी है, अच्छी जमी है कि ग्रेफाइट इंडिया, हाँ भाई बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है। ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड वन ऑफ द टॉप स्टॉक है ग्रेफाइट की दुनिया में, इंडिया का कहो या ग्लोबल लेवल का कहो, ग्लोबल लेवल का प्लेयर है ग्रेफाइट इंडिया। और जो इसने ये ग्रेफीन, जनरल ग्रेफीन कॉरपोरेशन को जो US बेस्ड है, इसमें 46% स्टेक जो एक्वायर किया है, ये और भी बहुत, इसमें 132 करोड़ तो का टोटल, ये ओवरऑल देखा जाए तो जो डील हुई थी 18.6 मिलियन की हुई थी, यानी कि 132 करोड़ की थी, वो भी कैश में। तो आप देखिए, मैं तो इस स्टेप को बहुत ज़बरदस्त स्टेप मान रहा हूँ, और ग्रेफाइट इंडिया का ये जो इन्वेस्टमेंट है जनरल ग्रेफीन में, बहुत अच्छा कहूँगा, एक लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेटजी ये है हाई एंड टेक्नोलॉजीज के साथ। अगर आप देखें तो आप समझिए इस चीज़ को, और अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो ग्रेफाइट इंडिया का शेयर खरीदिए। अगर आप ग्रेफीन की दुनिया में काम करना चाहते हो तो नो डाउट ग्रेफाइट इंडिया इज़ द बेस्ट वन, क्योंकि इसके पास है फ्यूचर ग्रेफीन वाला। ग्रेफाइट इंडिया से ही, ग्रेफाइट से ही ग्रेफीन बन रहा है, तो क्यों ना ग्रेफाइट इंडिया को ही खरीदा जाए। और इवन ग्रेफाइट इंडिया ऑलरेडी इतना बढ़िया बेहतरीन चल रहा है, तो भाई उससे बेहतरीन और क्या होगा। चलिए, ग्रेफीन बैटरीज बनाता है, ग्रेफीन सोलर पैनल में यूज होता है, ग्रेफीन ऑक्साइड, ग्रेफीन सुपर कैपेसिटर, भैया ग्रेफीन में क्यों नहीं इन्वेस्ट किया जाए। अब आप अगर समझोगे कि व्हाट इज़ ग्रेफीन, ग्रेफीन के एप्लीकेशन, ये सारे आपके साथ शेयर कर दिए मैंने, तो क्यों ना हम ग्रेफाइट इंडिया के बारे में भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें। ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड 932 का प्राइस अभी चल रहा है इसका, अगर आपको स्टॉक सस्ते में मिलता है तो आप उसको ज़रूर भरिएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ग्रेफीन के बारे में, ग्रेफाइट इंडिया के बारे में। 52 वीक लो देखा जाए ग्रेफाइट इंडिया का तो 535 रुपया, और 52 वीक हाई ऑलमोस्ट 1126 रुपये के अराउंड है। और अब ये देखिए, ग्रेफाइट इंडिया की अगर हम बात करें, इस स्टॉक की मार्केट कैपिटलाइजेशन 18,000 करोड़ है, अर्निंग पर शेयर 151 है, जिसकी वजह से इसका पी रेशियो देखिए 6.14 है। तो आप ये समझिए कि ये काफ़ी अंडर वैल्यूड है अभी भी, मार्केट की बात कहें या फिर खुद इसके सेक्टर की बात कहें, 6 का पी रेशियो, तो मैं तो बहुत बढ़िया कहूँगा इस शेयर को। बुक वैल्यू 139 का, प्राइस टू बुक वैल्यू जरूर आपको ज़्यादा लग रहा होगा 6.67 का, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है, और बहुत बेहतरीन स्टॉक ये मैं कहूँगा ग्रेफाइट इंडिया। चलिए एक नज़र आपको मैं इसके ना फाइनेंशियल्स पे दिखा देता हूँ, आप समझिए इसके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स देखोगे तो नेट प्रॉफिट देखिए 350 करोड़, 540 करोड़, 950 करोड़, 1100 करोड़ के अराउंड। डेट देखिए 272 करोड़, टोटल एसेट्स देखिए, तो आपको समझ आ रहा होगा कि ग्रेफाइट इंडिया किस डायरेक्शन में जा रहा है। मेरे को तो बहुत बेहतरीन स्टॉक लगता है ये, ग्रेफीन से ग्रेफाइट इंडिया, और ग्रेफाइट इंडिया ज़बरदस्त। अब देखिए, अब एक नज़र डालते हैं इस स्टॉक की, आप समझिए इसको धीरे धीरे, शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। प्रोमोटर का शेयर 65.22%, पब्लिक का शेयर 34.78%, ये भी सही है, लेकिन एक नज़र और डालिए कि कितने फंड्स ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है। देखिए, फंड्स जो इन्वेस्टमेंट करती हैं आपको बुरा नहीं लगे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ज़रूर करती है कई फंड्स। तो लास्ट 6 क्वार्टर में देखिए, अगर आप देखिए, बैंक ऑफ इंडिया के बहुत सारे फंड्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है, DHFL के कई सारे फंड्स ने, HSBC, IDFC, L&T, और L&T की बात कही है, देखिए SBI के बहुत सारे फंड्स, टॉरस ने, UTI ने, तो बहुत सारे फंड्स ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। तो आप क्यों पीछे रहते हो, ग्रेफाइट इंडिया का ग्राफ देखते हैं कहाँ पे, अगर एक छोटे इन्वेस्टर को ख़रीदना होगा तो वो कहाँ पे खरीदेगा, वो उसके लिए क्या बेटर अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। तो मैं ये कहूँगा, जिस तरीके से ये ट्रेंड लाइन दिख रही है मुझे, आपको भी दिख रही होंगी, तो ये स्टॉक अभी तक मेरी नज़र में ये बाई, जैसे पुराने टाइम पे जब गिर रहा था तो ये मुझे एक यहाँ पे मतलब कि 900 के अराउंड इसमें बाइंग लेवल दिख रहा था। तो अब जो बाइंग लेवल है, जैसे अभी इसने नीचे गिरा था और एक नया ट्रेंड लाइन क्रिएट किया है, तो मेरे पर्सपेक्टिव से तो ये जो बाइंग लेवल बनता है वो अब बनता है आपका, जब ये लाइन, ये जो अभी सेलिंग प्रेशर चल रहा है धीरे धीरे करके इसमें, तो आप यकीन मानिए 850 की रेंज में अगर ये स्टॉक आता है तो आप इसको अच्छे से भर लीजिए, मतलब 850 से 900 के बीच में, 900 से नीचे मतलब 870, 860, 850 इस रेंज में अगर ये स्टॉक आता है तो आप इसको भरिए,
और शुरू कर दीजिए यहाँ से 870 से लेके इसको भरना शुरू कर दीजिए 770 की 700 750 मतलब ये 100 पॉइंट की रेंज में आप धीरे धीरे इसको इसका एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन अगर ये स्टॉक आपको मिलता है 600 रुपीज़ का तो चूकिए मत, भर दीजिए। और अगर ये स्टॉक इन लेवल्स पर आता वैसे ये आएगा नहीं, आपको मिलेगा नहीं इन लेवल्स पर कभी, 600 भी आना भी मुश्किल है। लेकिन अगर 600 पे मिलता है तो अब तो बहुत बेहतरीन बाई है, मैं कहूँगा आपको बेहतरीन बाई। 850 से स्टार्ट कीजिए, 870-860 से स्टार्ट कीजिए और इन लेवल्स तक इसको धीरे धीरे जमा कीजिए लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से, रिटायरमेंट की पूंजी, क्योंकि ये बहुत बढ़िया बेहतरीन दिशा में जाने वाला स्टॉक दिख रहा है मुझे। ग्रेफीन, आप ये समझिए, ग्रेफीन एक बज वर्ड है, एक नाम है पूरा, अभी ग्लोबली काफ़ी रिसर्चें चल रही है ग्रेफीन भी अभी भी, कि ग्रेफीन की जो बैटरी चलेंगी ना अभी वो देखिए, ग्रेफीन का जो सुपर कैपेसिटर चलेगा ना बैटरी स्टोरेज के टाइम पर, तो अल्टीमेट एप्लीकेशन है, यकीन मानिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ग्रेफीन लिथियम के बारे में मैंने एक वीडियो अच्छा बनाया था तो बहुत लोगों को वो अच्छा लगा था वीडियो, बहुत लोगों को समझ में आया था, उसी के पॉइंट पर मैं ग्रेफीन का भी आपके लिए एक नया ये वीडियो लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, शेयर ज़रूर कीजिए, ऐसी नई नई चीज़ें शेयर ज़रूर करनी चाहिए, लाइक कीजिए, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने जो राय है वो कमेंट सेक्शन थ्रू जरूर शेयर कीजिए। एक व्यूअर ने ये शेयर किया था जब मैंने लिथियम आयन बैटरी के बारे में वीडियो बनाया था कि प्लीज़ ग्रेफीन के बारे में भी कुछ डाटा शेयर जरूर कीजिए, वो भी एक काफ़ी अच्छा एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव से सोचने वाला स्टॉक है, जहाँ इन्वेस्टमेंट के डायरेक्शन का स्टॉक है। तो मैंने ये वीडियो शेयर जरूर किया है, एंड अगर अच्छा लगा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।